हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोड डैडर व्लॉग। तो दोस्तों, आज हम लोग फाइनली देहरादून से निकल चुके हैं लद्दाख के लिए और आज हम लोग मनाली पहुंच जाएंगे और हम मनाली में स्टे करेंगे। दोस्तों, यहीं से स्टार्ट करते हैं पूरा अपना आज का व्लॉग। दोस्तों, हम लोग देहरादून से निकल चुके हैं लद्दाख के लिए और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:15। तो हम सुबह सुबह 4 बजे निकले थे देहरादून से लद्दाख के लिए। तो यार दोस्तों, आप एक बार यहाँ का पूरा व्यू देखो यार, कितना बढ़िया है व्यू है। देख रहे हो मतलब कितनी बढ़िया जगह भाई, ऑसम। तो यार काफी एक्साइटमेंट हो रही है, फाइनली हम लोग लद्दाख जा रहे हैं। और दोस्तों, आप अभी टाइम देख सकते हैं, अभी हमारा टाइम हो रहा है सुबह सुबह के 7:57 हो चुके हैं। आपको मैं टाइम दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, और दोस्तों अभी हम लोग पेट्रोल पंप आए थे अपनी गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं हमारी गाड़ी में भी डीजल डल रहा है। और दोस्तों, हमारी गाड़ी में 3100 का डीजल आया, इसमें हमारा टैंक फुल हो चुका है। बादलों में चल रहे हैं। यार दोस्तों, देख रहे हो मतलब यहाँ का व्यू कितना बढ़िया है भाई, अलग ही मजा आ रहा है यार, दिल खुश हो गया भाई, पैसा वसूल है। और दोस्तों देखो, ये स्कूल के बच्चे जा रहे हैं यहाँ पर ये। और दोस्तों देख रहे हो मतलब आगे भाई रोड भी नहीं दिख रहा यार, इतने बादल आ चुके हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये हमारा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम रुके अभी नाश्ता वास्ता करने के लिए। इसका नाम ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे साकेत। बच्चों के प्रियांशु भाई को देखो, हमारे यहाँ पर सेल्फी लेने लग गए हैं आते के साथ में ही। मेरा मेन फोकस भाई साहब प्रियांशु भाई पे रहेगा इस पूरी वीडियो में। और दोस्तों, आप पूरा यहाँ का व्यू देख सकते हैं यार, मतलब सामने बादल है भाई पूरे, क्या गजब ही भाई मजा आया यार। देख रहे हो यहाँ का पूरा व्यू है भाई, ये पहाड़ आपको दिख रहे होंगे आगे। ये पूरा हमारा होटल है, यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं, यहाँ पर हम अभी चाय नाश्ता करेंगे, देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बार इसकी बालकनी से पूरा व्यू दिखाता हूँ। देख रहे हो दोस्तों, यहाँ से भाई साहब अलग ही व्यू यार। क्या मजा है भाई, अलग ही भाई, गजब भाई यार। यार दोस्तों, एक बार आप यहाँ की यार ग्रीन वैली भी देखो भाई, मतलब यार क्या यार, अलग ही भाई नज़ारा है यार। अगर बंदा भाई यहाँ से नीचे गिरता भाई, देख रहे हो खत्म है भाई, वो रुकेगा नहीं, नीचे जाके मिलेगा वो तो सीधा। समझा यार, मज़ा आ गया। देख रहे हो दोस्तों, यार बादल चल भी नहीं भाई, देखो सुन करके दिखाता हूँ, अगर चलते हुए दिखे तो वीडियो भाई, देखो चल रहे हैं यार ये रे। अरे भाई वाह, भाई वाह यार, मज़ा भाई गजब। अब मतलब भाई बादल यार इतने भाई, नीचे कुछ दिख ही नहीं पा रहा भाई कि यहाँ पर कुछ है, पूरा वाइट लग रहा है, नदी सी है भाई ये तो। लोगों ने नाश्ता कर लिया, फाइनली लोग चल रहे हैं गाड़ी के पास, बैठते और चलते हैं आगे यहाँ से। तो दोस्तों, अब हम लोग निकल चुके हैं आगे जाने के लिए। तो आप जो सामने कट देख रहे हो, ये हमारा मनाली के लिए जाएगा और सामने जो सीधा रोड जा रहा है चंडीगढ़ जा रहा है। और दोस्तों, अगर हम देहरादून से आते हैं तो ये कट हमारा 170 किलोमीटर के लगभग दूरी पे पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ से आगे चलते हैं, इस कट में मोड़ते हैं गाड़ी। तो दोस्तों, आपको बताया तो ये कट ना बहुत से लोगों को पता नहीं है, वो गलती सीधा चले जाते हैं और चंडीगढ़ वाले रोड पे पहुंच जाते हैं। तो आप ये वाला कट लेना अगर आप यहाँ से आते हो तो। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी बाहर बारिश हो रही है। और दोस्तों, आपको बता देता हूँ, मनाली हमारा यहाँ से 150 किलोमीटर दूरी पे रह गया बस खाली। और मैं आपको एक बार पूरा साइड का व्यू दिखाता हूँ, देखिए आप।
और दोस्तों हमारे साइड में रिवर ही बह रही है, अगर आपको वीडियो में दिख पा रही होगी तो। और यार दोस्तों देख रहे हैं, मतलब यहाँ का वेदर यार बिल्कुल मस्त हो गया भाई, मज़ा आ रहा है यार आगे जाने में भी। और दोस्तों इस टाइम पे हम NH 154 पे चल रहे हैं, और दोस्तों आगे लिखा हुआ है देखो, आप देख सकते हैं कुल्लू 115 है और मनाली 155 किलोमीटर है, बोर्ड पे लिखा हुआ था ये। और दोस्तों आप देखो एक बार साइड में पूरी ये रिवर है, आप देख सकते हैं दोस्तों आपको रिवर दिख रही होगी यार, देखो मतलब कितना बढ़िया है यार ये यहाँ का व्यू भाई, मजा आ गया यार पूरा व्यू देखने में। और दोस्तों मैं आपको एक बात ज़रूरी बता देता हूँ कि अगर आप लद्दाख जाते थे, आप गूगल मैप के भरोसे मत रहना, क्योंकि वो आपको काफ़ी चीज़ें गलत ही बता देगा, तो आप लोगों से पूछते हुए जाना, मैप के भरोसे बिल्कुल होके मत जाना यार, मतलब उसे यूज़ कर लेना, मैं ये मना नहीं कर रहा कि उसे यूज़ मत करना, यूज़ करना, बट लेकिन आप लोगों से ही वहाँ के लोकल पूछते रहना रास्ते के बारे में बीच में, क्योंकि आप कहीं गलत ना चले जाओ। तो दोस्तों हम लोग मंडी में पहुंच चुके हैं, और दोस्तों यहाँ पर ना काफ़ी यार जाम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे नरेंद्र मोदी जी आए थे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मतलब कि, तो यहाँ पर उनका कुछ प्रोग्राम वोग्राम था, और यहाँ पर काफ़ी जाम लग चुका है शूट करने। और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी यहाँ से जा चुके हैं, और आप देख रहे हो अभी जाम बस खुलने वाला है, और दोस्तों आप देखो यहाँ पर पूरा रेड हुआ पड़ा है, मैं आपको नेविगेटर में दिखाता हूँ गूगल मैप पे, तो यार दोस्तों देख रहे हो पूरा यहाँ पर रेड हुआ पड़ा है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं 2:41 हो गई, हम लोग होटल पे आए थे खाना खाने के लिए दिन का, मैं आपको पूरा यहाँ से बाहर का व्यू दिखाता हूँ यार। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बारिश आ रही है, तो फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आगे का लोग जब भी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं खाना खा के दिन का अपना, और दोस्तों यहाँ से मनाली हमारा 98 किलोमीटर रह गया बस, तो हमें 2 या 2.5 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। दोस्तों यहाँ से ले हमारा 492 किलोमीटर है, और दोस्तों यहाँ से अटल टनल हमारी 97 किलोमीटर है, और दोस्तों यहाँ से मनाली हमारा 70 किलोमीटर है, और दोस्तों यहाँ से कुल्लू हमारा 27 किलोमीटर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बारिश आ रही है, और हम लोग फाइनली मनाली पहुँच चुके हैं, हमने यहाँ पर होटल ले लिया, मैं आपको पूरा होटल दिखाता हूँ, ये हमारा रिसेप्शन एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आई यहाँ से ऊपर चलते हैं, मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ पूरा। दोस्तों देख रहे हो मतलब कि जो होटल की सीढ़ियाँ हैं लकड़ी की हैं, और ये यहाँ पर आकर एकदम इन्होंने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए यार, वक्त बदल दिया, मतलब भाई देख रहे हो पत्थर की आ गई जो लकड़ियों की सीढ़ियाँ थी। खैर भाई आगे चलते हैं, जज्बात और वक्त बदलते हुए हमने यहाँ पर देख लिए एकदम हमारे साथ में। दोस्तों यहाँ से इधर जाके लास्ट वाला रूम हमारा अपना ही, आइए चलते लास्ट वाले रूम की तरफ। और दोस्तों मैं आपको पूरा यहाँ से सामने का व्यू दिखाता हूँ, पूरा सामने का व्यू देख रहे हो यार, यार देखो आपको दिख रही है बारिश पड़ रही है स्क्रीन में, पूरी बारिश पड़ रही है, और ये हमारा रूम है। तो दोस्तों आई यहाँ से निकल के आपको पूरा रूम दिखा देता हूँ एक बारी, ये अपना दोस्तों बेड है, यहाँ से बाहर आई थिंक मेरे ख्याल से बालकनी होगी यार। तो दोस्तों आप पूरा यहाँ से यहाँ का एक बार व्यू देख सकते हो यार, ये देखो यहाँ पर ये नदी बह रही है, तो ऊपर दोस्तों देखो यार प्रेशर कितना आ रहा है भाई, ये देखो। तो दोस्तों आइए यहाँ से चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आज हमारा डे वन था, कल हम लोग मनाली से निकलेंगे लद्दाख के लिए, तो आपको पूरा व्लॉग वहाँ का भी दिखाऊंगा, रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ी, क्या क्या हमारा व्यू है। तो दोस्तों यहीं पर इस व्लॉग को करते हैं खत्म।